सोलन में स्थित सब्जी मंडी में जिला स्तरीय ई राष्ट्रीय कृषि बाजार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सोलन में पहुंचने पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। सोलन में स्थित सब्जी मंडी में जिला स्तरीय ई राष्ट्रीय कृषि बाजार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सोलन में पहुंचने पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने सोलन की सब्जी मंडी में लगने वाली इंटरलॉक पेवर स्टाइल का नीम पत्थर रखा। मेले में भारी संख्या में सोलन जिला के किसानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। अधिक जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि सोलन के करीबन 80% शील किसानों को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाना है। वहीं उन्होंने कहा कि सब्जी मंडियों के उत्थान के लिए नया कानून आने वाला है, इसको लेकर किसानों में गलत भ्रांतियां फैल रही हैं। उनकी शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, साथ ही उन्हें ये भी बताया जाएगा कि नए कानून से किसानों को क्या लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इस कानून के आने से प्रदेश का चहुंमुखी विकास होगा और किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ साथ उन अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने सब्जी मंडी के विकास में अहम योगदान दिया है। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, हमने ये नाम जो हमारा सब्जी मंडी है हिमाचल प्रदेश के लिए 29 सब्जी मंडी हमारे ई नाम के अंतर्गत लाए गए हैं, इसके माध्यम से ये फंक्शन रखा गया। साथ ही साथ 29 किसानों के लिए हम आज उन 75 किसानों के लिए नाम देने वाले हैं। हमने सब महिला मंडल्स को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से उनको यहाँ बुलाया है और किसानों को अच्छे किसान जिन्होंने यहाँ पर सब्जी मंडी के लिए इनाम को उठाने के लिए जो विकास के लिए या काम किया उसके लिए हम उनको इनाम देने वाले हैं। और किसानों से हम आज हमने यहाँ मिलना चाहते हैं किसानों के माध्यम से, जो सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो काम विकासात्मक कार्य किए हैं, जो सब्जी मंडियों के उत्थान के लिए जो नया एक्ट आने वाला है हिमाचल प्रदेश के अंदर सब्जी मंडी का, उसके माध्यम से एक नई भ्रांति फैलाया जा रहा है। उसको विषय लेकर मैं चाहता था कि आदरणीय सजल जी के साथ जो यहाँ पर आके हम सब्जी मंडी में जाके लोगों से बात करें कि आने वाले समय में जो नया एक्ट आने वाला है वो किसानों के हक में आने वाला है, जिससे जो है चौमुख विकास होगा और साथ ही साथ जो किसानों का उत्पादन है उसका सही मूल्य मिलेगा। इसके लेकर जो है एक तो हम किसानों से मिलना चाहते थे, उनको जो उन्होंने अच्छा काम किया उसको इनाम देना चाहते थे, जो हमारे यहाँ के सेक्रेटरी को इनाम देना चाहते हैं जिन्होंने अच्छा विकास काम किया, उसके लिए आदमी अधिकारियों को जो यहाँ के सब्जी मंडी में अधिकारियों ने साथ किया है, जो हमारा जो यहाँ के चेयरमैन है इन्होंने बहुत अच्छा एक साल के अंदर अच्छा काम किया है।